जी, तो आज हम देखेंगे जीरोक्स 5875 में यूएसबी में डाटा कैसे स्कैन किया जा सकता है। सबसे पहले आपने यूएसबी को यूएसबी पोर्ट में लगाना है। यूएसबी पोर्ट में यूएसबी को लगाने के बाद आप देखेंगे यूएसबी स्क्रीन पर खुद ब खुद शो हो जाएगी। ये देखें, स्क्रीन स्कैन टू यूएसबी, स्कैन टू यूएसबी को प्रेस करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। इसमें आपने देखना है सबसे पहले कि आपने जो स्कैनिंग करनी है वो सिंगल साइड है या डबल साइड। अगर तो सिंगल साइड है तो सिंगल साइड ही रहने दें और डबल है तो डबल कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके का बटन प्रेस करें और इसके बाद आप देखें कि फ़ाइल को आपने किस फॉर्मेट में करना और नाम फाइल का क्या रखना है। फ़ाइल का नाम आप इधर कोई भी रख सकते हैं, जिस तरह के मैं इधर आप फाइल का नाम रख देता हूँ एक्स वाई और जेड। इसके बाद आपने देखना है कि जो आप स्कैन कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में आपने करनी है, पी डी एफ करनी है, जे पी जी करनी है, जो हम सभी आप करना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पी डी एफ करना चाह रहा हूँ तो मैं ये पी डी एफ हिलाने देता हूँ और ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ। ओके का बटन प्रेस करने के बाद आपने जो स्कैनिंग करनी है, डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करनी है वो आप लें और उसको ए डी एफ में, अगर ज़्यादा है तो उसको ए डी एफ में लगा सकते हैं, स्क्रीन पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने करना क्या है कि आप लगाने के बाद आपने जी तो आपने डॉक्यूमेंट ए डी एफ पर रखने के बाद आपने स्टार्ट का बटन प्रेस करना। जिस तरह आप स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये प्रोसेसिंग चल रही है और स्कैनिंग शुरू हो चुकी है। ये आपके डॉक्यूमेंट स्कैनिंग हो रहे हैं, ये प्रोसेसिंग चल रही है। इसी दौरान आपने यूएसबी को नहीं उतारना। जितनी देर तक ये प्रोसेसिंग होती है यूएसबी आपकी मशीन के साथ ही लगी रहनी चाहिए। ये कम्प्लीट का ऑप्शन आया तो जैसे ही ऑप्शन आएगा तो आप यूएसबी उतार सकते हो। यूएसबी उतारने के बाद आप इसको सिस्टम से लगा के चेक कर सकते हैं कि इसमें डाटा आपका स्कैन हो चुका है। तो आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आपने जो स्कैन किया है तो ये देखें यूएसबी शो हो रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि जिस नाम से हमने फाइल रखी थी क्या वो यूएसबी में मौजूद है। तो ये यूएसबी हमारी शो हुई। तो ये देखें, ये फाइल हमने एक्स वाई जेड के नाम से सेव की थी। तो ये एक्स वाई